वेलकम टू सद्भावना न्यूज एंड आई एम पूनम शर्मा। इंदौर बैतूल नेशनल हाईवे 59 पर स्थित मध्य प्रदेश के देवास जिले के खातेगांव तहसील के संदलपुर के पास परिवार एजुकेशन सोसाइटी द्वारा निर्मित बिल्डिंग की प्रगति को देखने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी और भारत रत्न प्राप्त सचिन तेंदुलकर पहुंचे। बताया जाता है कि ट्रस्ट द्वारा निर्मित उक्त बिल्डिंग में तेंदुलकर द्वारा भी फंड दिया जाकर उक्त बिल्डिंग को गोद लिया गया है। उसी की जानकारी लेने यहां पहुंचे मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया, यहां 2300 बच्चों के लिए उनके व्यवस्था को लेकर मैं यहां विजिट करने पहुंचा हूं। मेरे पिता का भी सपना था कि कुछ इस प्रकार का ही कार्य किया जाए, उसी को आगे बढ़ाते हुए शिक्षा के क्षेत्र में जो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं उन्हें आगे बढ़ाने के लिए उनका सहयोग करने की अपेक्षा से परिवार एजुकेशन सोसाइटी एनजीओ संस्था का सहयोग करने का संकल्प है, उसी का निरीक्षण करने मैं आज भविनी विद्यापीठ संदलपुर पहुंचा हूं। यहां की बिल्डिंग व कैंपस में और क्या बेहतर किया जा सकता है उसका निरीक्षण करने पहुंचा हूं। पिता की इच्छा थी कि मैं कुछ फंड एजुकेशन में दूं, उसी एजुकेशन फंड की जानकारी लेने के लिए मैं यहां पहुंचा हूं। यदि पिता होते तो बहुत अच्छा होता। क्षेत्रीय विधायक आशीष शर्मा ने पूरी विधानसभा की ओर से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर का सम्मान किया। गोपनीय दौरे के चलते पूरी व्यवस्था प्रशासन के अधिकारियों ने संभाल रखी थी। कड़ी सुरक्षा के बीच सचिन तेंदुलकर पहुंचे, जहां मीडिया भी अलाउ नहीं थी, ना कोई बाहरी व्यक्ति को प्रवेश की अनुमति दी गई। फिर भी स्थानीय मीडिया ने व्यवस्था संभाल रहे विविधा मैडम से स्थानीय मीडिया की चर्चा को लेकर कहा तो उन्हें सहज रूप से उनसे स्वीकृति लेकर स्थानीय मीडिया से मिले व उन्हें जानकारी भी उपलब्ध कराई। देवास अरुण वीके की रिपोर्ट। पावर्ड बाय आर्थ्रोस क्लिनिक, अ डेडिकेटेड सेंटर फॉर आर्थ्रोस्कोपी एंड स्पोर्ट्स इंजरीज।